जैसे कि मैं शाहरुख खान हूँ, ये जगह आने से ना सब इसका लाभ में पड़ लाभ में पड़। वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड, सेकेंड एपिसोड बोलता हूँ, सेकेंड पार्ट बोल सकते हो। एंड गाइस, आज का जो पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम दारिंगबाड़ी को एक्सप्लोर करने वाले, जिस चीज़ के लिए आए थे हम उस चीज़ के लिए आज एक्सप्लोर करेंगे दारिंगबाड़ी। सो आज बहुत जगह जाएंगे, बहुत सारा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारा स्पॉट हम फाइनलाइज करें, उधर जाएंगे एंड आपको भी दिखाएंगे क्या क्या है, क्या खूबसूरती है दारिंगबाड़ी का। एंड मेन चीज़ गाइस, कल रात मैंने शायद वीडियो एंड करना भूल गया, तो उस पार्ट के बाद मैंने कुछ शूट नहीं करा एंड थोड़ा डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करके मैं सो गया था। राइट नाउ द टाइम इज़ 8:51। सो हम लोग का प्लान था कि हम लोग 8:30 निकल जाएंगे, बट थोड़ा डिले हो चुके हैं। सो गाइस अभी चलते हैं, लेट हो चुके हैं, हम जल्दी जाके नाश्ता करते हैं क्योंकि सब लोग नीचे चला गया। एंड गाइस, जो लोग अप टू डेट रहना चाहते हो हमारे चैनल के साथ, तो गाइस आप लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, नवरीत मंडल, या लिंक नीचे दिया हुआ है। मिलते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। एंड गाइस, बाहर इतना ठंड भी नहीं है, बट मैं जैकेट ले रहा हूँ क्योंकि गाइस पता नहीं अब ऑन द वे ऐसे भी जैसे हो गए, वैसा हमें मतलब हमको मतलब एडजस्ट करते रहना चाहिए। एंड वेदर अभी अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा, तो जैकेट वगैरह ले लेते ताकि ठंडा लग जाए। तो ब्रेकफास्ट पूरी एंड सब्जी, इडली ख़त्म हो चुके हैं, खाते फिर मिलते हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करके हो गया हम लोगों का, हो गया। एंड अभी हम जा रहे हैं साइट सीन करने, अभी हम जा रहे हैं साइट सीन, कुछ एम से लेकर कुछ नाम है हम क्या एम, अच्छा एम से लेकर नाम है, तो नाम उधर जा रहे हैं, पूछ के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, उधर जाके मतलब वही यहाँ दारिंगबाड़ी का बेस्ट प्लेस है, हाँ ऐसा सुना गया है। तो उधर जाके आपको बहुत अच्छा अच्छा सिनेमेटिक शॉट वगैरह दिखाएंगे, सुबोधा और शक्ति अंकल दिखाएगा सिनेमेटिक शॉट। आज तो सलमान खान का बर्थडे है, देखते हैं उनका कोई गाना। अच्छा, अनुदा थोड़ा मुंह दिखा दीजिए क्योंकि आपने कल मुंह नहीं दिखा दिया था, ये साइंदन दा है। सो चलो, साइंदन दा से पहले भी मिले बट इस बार वीडियो में पहली बार, तो वेलकम कर दीजिए साइंदन दा। थैंक यू। चलो ठीक है, चलो नाम ढूंढ के पता करके पता चला कि हमको हम मंदिर थ्रू जा रही है, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है नहीं पता हमको, बट मंदिर थ्रू ऐसा करके कुछ नाम है। हाँ, लवर्स पॉइंट, सुन लीजिए क्या कहाँ कहाँ। हेलो, अच्छा सुन लीजिए। गाइस अभी निकल रहे हैं हम, गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, भैया अभी इधर रेडी है पूरा चलाने के लिए। एंड सब लोग पीछे आ चुके हैं, देख ही सकते हो। एंड हम जा रहे हैं अभी मंदसू, ठीक है, ये शॉट भी आ गया, मंदसू जा रहे हैं अभी। अभी बहुत सुंदर एक रोड से जा रहे हैं, आप रोड देख सकते हो एंड देख सकते हो कितना ब्यूटी है लेफ्ट साइड, ठीक है, देखो कितना सुंदर लग रही है, ठीक है। एंड वेदर भी बहुत मस्त है, रोड देखो एक बारी, बहुत ही सुंदर रोड है, ठीक है, देख सकते हो कैसे गाड़ी पास हो रही है इधर से। एंड रोड देखो गाइस, इट्स ऑसम मैन, बहुत ही सुंदर रोड है। एंड इधर से जा रही है ऊपर की तरफ, देख सकते हो तो इधर से भी एक रोड जाती है, ये देखो रोड।
अभी पूरा देखो चारों तरफ ओस ओस सा है, मतलब कुआसा बोलते हैं बंगाली में एंड हिंदी में, इंग्लिश में फॉग बोलते हैं तो ओस बोलते हैं हिंदी में, तो ओस भर चुका है अभी पूरा देखो चारों तरफ ओस ओस है। एंड हम बीच में से जा रही है, अंदर सब एंजॉय कर रहे हैं, गाना चला के नाच रहे हैं, बहुत मस्ती हो रहा है गाइस, सब लोग तो देख ही रहे हो। एंड ये देखो गाइस नज़ारे ही नज़ारे इसके आस पास, भाई सब खतरनाक लग रही है। एंड मैंने माइक उतर दिया तो साउंड थोड़ा ऐसा कट के आएगा, बट कोई ना फिर लगा लेंगे माइक, क्या दिक्कत है। स्टीप देखो कितना कितना स्टीप है, मतलब आपको वीडियो में समझ में नहीं आएगा बट बहुत ज़्यादा स्टीप रोड है ये, ठीक है। एंड गाइस बाजू में जो लंबे लंबे ट्रीज है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मस्त लग रही है ना, बहुत मस्त। तो गाइस इधर हम पहुंच चुके हैं मंदासरू, आपको बोर्ड दिख गया होगा सामने, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये है बोर्ड मंदासरू का। तो हम पहुंच गए सामने, देख रहे हो पब्लिक भी है, तो हम आ चुके हैं गाइस, ये पार्क है एक छोटा सा, तो हम फाइनली पहुंच गए मंदासरू। ₹20 का एंट्री देना होगा उसके बाद हम अंदर घुस सकते हैं। तो जाते हैं कहाँ, ₹20 का एंट्री फीस दे के हम लोग मतलब अंदर जाएंगे। अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है आप देख सकते हो, ठीक है ये देखो बहुत अंदर मस्त व्यू है। तो आपको सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह दिखाते, तब तक आप वेट कर लीजिए, टिकट काट लेते फिर अंदर जाते। बहुत कुछ है अंदर, बहुत कुछ पार्क टाइप सा है। एंड अभी हम जा रहे आगे, देखते क्या क्या चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। पार्क टाइप सा बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें एनिमल्स है एंड एवरीथिंग इज देयर। तो अंदर जाते और क्या चीज़ दिखते है, हमको व्यूज़ मिलता है कि नहीं मिलता वो भी देखते, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सब चीज़ें बनी हुई है इधर। तो गाइस ये मंदासरू रिसोर्ट है, तो यहाँ पे आप रह भी सकते हो। एंड जैसे मेरे को पता चला कि पर नाइट इसका 4000 to 5000 का रेट है, पता नहीं हमको कितना है, ठीक है, बट अच्छा है, बहुत सुंदर लग रही है, ठीक है। शिप्रा आंटी पर नाइट कितना बोला, हा? कितना रेट पर नाइट इसका? साढ़े तीन हज़ार पर नाइट विदाउट फूडिंग। तो वैसे इधर एक व्यू सेंटर है, तो इधर से आप व्यू ले सकते हो, ऊपर से हम ऊपर जाएंगे एंड व्यू दिखाएंगे आपको। बाकी हम नीचे जाते हैं पहले, उसको नीचे जाके देखते कि उधर के उधर हमारे सभी लोग जाके खड़ा है। द व्यू फ्रॉम द व्यू पॉइंट मंदासरू, व्यू पॉइंट और इधर हमारे कौन खड़ा है, शक्ति अंकल। हेलो, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे एंड विल स्पेंड अ नाइस डे। 21% जस्ट कमिंग फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम कलकत्ता। चले वहां से जंप करोगे, मतलब वो रेडी हो जंप करने के लिए? ये आपने देखा होगा ना शोले फिल्म में, धर्मेंद्र जो पानी का टैंकी से ऊपर से नीचे कूदने का कोशिश किया था, वैसे जंप करो इधर से। जंप करने के लिए वो अभी तैयार है, खाली कैमरा रेडी नहीं है। रेडी है पूरा, ठीक है। चलो ओके लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोगों का फोटोशूट करके हो गया एंड शांतनंदा उधर है, ठीक है। फोटोशूट कर ले, शांतनंदा ने बहुत कम फोटोशूट किया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया वो हम मान रहे, ठीक है। एंड अभी ऊपर जो व्यू पॉइंट मैंने बताया था पहले, उधर जाते हैं, उधर जाके कैसा व्यू मिलता है वो भी दिखा देंगे, क्योंकि जल्दी निकलना है और भी ज़्यादा चीज़ कवरअप करना है, लवर पॉइंट में भी जाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ लवर्स पॉइंट में सुबोधा गाना गाएगा, आपको सुबोधा के प्रोफाइल में मिल जाएगा वो गाना, ठीक है। अच्छा ऊपर भी एक और स्टेयर्स है, ऊपर जाके और ज्यादा अच्छा व्यू आएगा, आई होप सो।
गाइस अभी हम लोग इधर से निकल रहे मंदा सरू से एंड सब लोग बहुत सारे फोटोज वगैरह खींचे बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस थे बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यू भी थे तो हम लोग अच्छे अच्छे फोटो क्लिक किए बट हाँ एक अफसोस ये रहेगा कि हम लोग साइकिल नहीं चला पाए साइकिल हम लोगों ने नहीं है पहली बात चलाने का बात भी नहीं है ठीक है चलो अभी ऑन द वे मिलते हैं इधर का जो सीन था खत्म है बाद में रोड व्यू दिखाते आपको चलो लेट्स गो लावट पॉइंट के रोड पे है एंड ये जो रोड है बहुत ही खराब है मतलब देख सकते हो नॉर्मल मिट्टी का रोड एंड यहाँ पे पत्थर है देखो तो अभी एमयू पार्क से हम 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं लावट पॉइंट के लिए तो लावट पॉइंट पास में ही है एमयू पार्क से ठीक है तो अभी ऑन द वे है ठीक है अभी देखो गाड़ी जा रहे हैं दूसरा गाड़ी जा रहे हैं बट बहुत ही रास्ता खराब है आपको ऐसा जब साउंड सुन के पता चला है कितना खराब हो रास्ता है ठीक है तो थोड़ा वो उसका भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इसका तो गाइस अभी हम है लवर्स पॉइंट में हैं मतलब लवर्स पॉइंट नीचे आपको जहाँ पे दिखाया मैंने उधर ही जाना है एंड बाकी सब लोग आ रहे हैं हमारा ठीक है एंड मेन चीज़ उधर से एक स्ट्रीम जा रही है झरना जिसको झरना नहीं बोलते स्ट्रीम जा रही है उसको रिवर स्ट्रीम जा रही है ठीक है आप उधर जाके आपको दिखाते हैं नीचे सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह लेंगे ठीक है एंड नीचे से आप देख सकते हो कि इधर से एक स्ट्रीम जा रही है हाँ क्या हुआ देखने जा रहा है लवर्स पॉइंट ओके चलो सब आ रहे हैं हमारा अब नीचे जाएंगे नीचे तक तो गाड़ी नहीं जा रही है मतलब एक दो गाड़ी जा रही है छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी नहीं जाएगा तो उधर जाते हैं उधर जाकर आपको दिखाते हैं सुंदर व्यू उधर तक हमको जाना है एंड अभी हम पैदल जा रहे हैं ठीक है पैदल चढ़ के जा रहे हैं एंड उधर तक जाएंगे ठीक है एंड मिट्टी का रोड है थोड़ा जूता होता संभल के जाना होगा नीचे देखो नीचे सब लोग कितना लोग हैं उधर बहुत सारे लोग हैं इधर नहा रहे भाई लोग सब
गाइस अभी हम लोग हो गए लवर्स पॉइंट में, जो भी करना था फोटो वोटो सब कुछ खींचे। एवरी टाइम तुम हाई क्यों करते हो भाई कैमरा खुलने से? और क्या बोलूं अभी, यहाँ पर सिर्फ फील करने का है, फील करने का है यहाँ पर, उतना बात कम फीलिंग ज्यादा। हाँ ओके, बट बहुत ही अच्छा प्लेस है। ठीक है, तुमको कैसा लगा? मस्त दारुण जगह, इट्स अ पीसफुल प्लेस, बहुत ही अच्छा है ये प्लेस, बहुत अच्छा है, बहुत सारे फोटोज क्लिक किए हैं हम लोगों ने। और इस जगह का नाम लवर्स पॉइंट क्यों है कुछ किसी को पता है? क्योंकि यहाँ पर लवर्स का नाम लिखा है। नहीं, क्योंकि लवर्स पॉइंट है, ये जगह आने से ना सब इसका लाभ में पड़ लाभ में पड़ जाता है, यही सही पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक मेल एक फीमेल बैठ के, और फीमेल फीमेल हो सकती है, मेल मेल हो सकती है, ये जगह का प्यार में पड़ जाएगा, इसीलिए लवर्स पॉइंट है। एकदम पूरा दे दिया हमारे कंटेंट, जो एकदम हिट क्रिएटर है उसने डायलॉग दिए दिए हमारे वीडियो में, तो अभी यही बात है। चलो अभी जाते हैं एमयू पार्क में, कभी आएगा तो एक बार यहाँ घूम के जाइएगा, अच्छा ही लगता है। ऐसा खराब कुछ खास कुछ बहुत बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन चलता है आधा घंटे के लिए, ये जगह काफी काफी सुंदर है, मतलब टाइम इजीली स्पेंड हो जाएगा इधर। जब कोई इधर आएगा ना हम लोग का, या तो गाइस अभी लवर्स पॉइंट से हम निकल रहे हैं, ठीक है। अब इमू पार्क में हम रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले डायरेक्ट होटल जाएंगे, तो पहले देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि इधर बाजू में ही है इमू पार्क, इमू पार्क, ठीक है। तो देखते हैं कि हम जाते कि नहीं जाते, जो भी लोग अपडेट कर देंगे। सो गाइस ये इमू पार्क, अंदर इमू पार्क है एंड हम जा रहे हैं इमू पार्क में, 10 से 15 मिनट बिताएंगे इमू पार्क में, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे, ठीक है। जल्दी फटाफट एंट्री गेट ऑफ इमू पार्क आप जाते हैं, ये देखियो 10 रुपए का टिकट लगता है इमू पार्क में घुसने के लिए आपको, एंड अंदर अभी जा रहा है इमू पार्क। हाँ अभी जा रहे हैं इमू पार्क, एंड उधर जाके बच्चों को लेकर, सब बच्चों को लेकर, बट मैं हूँ इधर बस, पीछे सब आ रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है। अब अंदर क्या, अच्छा बच्चा अंदर, एक से नहीं मन से, एक से नहीं मन से, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और सामने बहुत ही अच्छा पार्क वगैरह है बच्चों के लिए, एक्चुअली इधर एमयू ज्यादा नहीं है शायद, ठीक है। दो उधर शेड्स मने उधर होंगे, अमेजिंग पार्क, हाँ, हाँ वही जो भी हो, और इधर पार्क भी अच्छा है देखो, मतलब खेलने के लिए कूदने के लिए चीजें है, बच्चे के लिए सही है, छोटा छोटा टेंट करके रखा है। हाँ पीछे आ रहे हमारे सभी लोग चिल्लर पार्टी, एक्चुअली इधर एमयू है, एमयू या एमयू कुछ भी हो, मतलब इधर है देखिए, बहुत लंबा लंबा है, ठीक है। इधर ये देखो, मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखो, हाँ ये जगह तो हमें देखे थे, तो गाइस एमयू पार्क में इधर आपको कॉटेज वगैरह मिलेगा रहने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह उधर था, ठीक है। एंड इधर आपको एमयू मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, पार्क में। एंड इधर साइंतंदा देखने को मिलेगा, मतलब अभी वीडियो में मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही सीन है, तो इधर से हम जा रहे हैं, मतलब इसका प्राइस वगैरह कुछ नहीं पता हमको अभी, ठीक है, ऐसा नहीं बता सकते, बाद में अगर पता चलेगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो या मतलब नंबर डाल दूंगा इधर कहीं पे भी, ठीक है। तो आपको अगर ये पार्ट अच्छा लगा, मतलब अभी इसके नेक्स्ट जो भी होगा, मतलब हम जाएंगे होटल में, जाने के बाद हम लंच वगैरह करेंगे, नहा तो लिया था सुबह, उसके बाद हम निकल जाएंगे पार्क्स वगैरह, मतलब जो नेक्स्ट सीन होगा, नेक्स्ट साइट सीन होगा उसके लिए निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मतलब इतना ही है इस पार्ट में, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा वो इस पार्ट, एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑब्वियसली पार्ट के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए मतलब बाय, एंड देख लीजिए इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है, ठीक है, वह बहुत ही मस्त दिख रहा है। तो चलो अभी निकलते हम गाड़ी की तरफ, गाड़ी से हम जाएंगे 40 किलोमीटर है याद, यहाँ से 40 किलोमीटर से होटल, तो होटल पहुँचते खाना खाते उसके बाद निकल जाएंगे, यानी इस पार्ट को इधर ही ख़त्म करते, तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि सब लोग अच्छे रहेंगे एंड हम भी अच्छे, हम ही अच्छे से घूमेंगे, तो आप भी आए घूमिए एंड अच्छा अच्छा रहना, अच्छे से बिताना, चलो बाय बाय।